आज से दिवाली का सन्नोत्सव शुरू है, 5 दिन। सोकोला पुलिस की तरफ से सारे प्रकार का प्रिकॉशंस हम लिया है, लेकिन नागरिक का भी हमको सपोर्ट होना, तभी ये फेस्टिवल सीजन एकदम पीसफुली विदाउट एनी मेजर इंसिडेंट जा सकते हैं। सो उदाहरणतः प्रॉपर्टी ऑफेंसेस को लेकर कोई चोरी कि घरफोड़ी का प्रकरण नहीं होना करके नागरिक ने भी प्रिकॉशन लेना चाहिए। तब आप बाहर गाँव जाते हैं सो लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करिए, ताकि वहाँ की बीट मार्शल कि बीट अमलदार आपकी घर को बार बार विजिट कर सकते हैं। एंड कभी आप मार्केट में परचेस के लिए जाएंगे, आपकी चेन पर्स और इधर वैल्यूबल आइटम उसको संभाल के रखना भी जरूर है। कारण अभी मार्केट्स में हम देख रहे हैं काफ़ी गर्दी है, नेचुरली हर जगह पे पुलिस रहना भी पॉसिबल नहीं, तो आपकी भी कोऑपरेशन हमको लगेगा। उसके व्यतिरिक्त माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत सारे गाइडलाइंस आया है, उसमें एक 2-3 मेन इशूज़ है। नंबर एक, बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, फटाखा फोड़ने का टाइम सिर्फ शाम को 8 से लेकर 10 बजे। और दूसरा, कुछ प्रकार का फटाका जिसमें बेरियम करके केमिकल कंपोनेंट है उसका यूज़ हुआ, तो वो फटाका बनाना, बेचना, उसकी वापर करना, वो डायरेक्टली ऐसे व्यक्ति के ऊपर FIR दर्ज हो सकते हैं। एंड कोई भी एरियाज में साइलेंट जोन, उदाहरणतः हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, उधर भी नज़दीक पास कहीं फटाका फोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे 2-3 मेन इंस्ट्रक्शन है। एंड और एक सजेशन है कम्युनिटी बस्टिंग के बारे में, मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया है कुछ टेरिविक एरिया में फटाका फोड़ना है। सो ऐसे भी आपकी मोहल्ले में, आपकी सोसाइटीज़ में कई पॉसिबल है एक ही इकट्ठा करके एक पर्टिकुलर जगह पे क्रैकर्स बस्ट करना चाहिए। इसकी वजह से पोल्यूशन का भी कंट्रोल के बाद उसकी इम्पैक्ट नहीं होगा, एंड नॉइस पोल्यूशन और बाकी इतर प्रकार की विषय भी नहीं होगा। सो बी सेफ, हमारे तरफ से पूरे तैयारी है, लेकिन फिर भी अकोला नागरिक की तरफ से हमको कोऑपरेशन का ज़रूरत है। एंड अकोला पुलिस की तरफ से और मेरे तरफ से सबको हैप्पी दिवाली। थैंक यू।